हरी ओम, आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या मैं कोरल ड्रॉ में एक आईबॉल कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अभी क्या है, पहले एक एलिप्स टूल लेता हूँ, लेके अभी क्या है कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग करता हूँ। तो अभी इसका साइज क्या है, अराउंड एक 50x50 रखता हूँ, 50x50 दिया मैंने। तो अभी इसको क्या है कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया मैंने, यानी दो सर्कल है अभी। सो इसका साइज क्या है 20x20 देता हूँ। तो ये थोड़ा छोटा, ज्यादा छोटा लग रहा है, तो अभी इसको क्या है 22x22 किया मैंने। सो ये आपको समझ में आ रहा है। अभी क्या है फ्री हैंड टूल लेता हूँ, ये क्या है फ्री हैंड टूल है, इसको लिया। लेने के बाद अभी देखो जैसे ही हम इधर आ रहे हैं एज करके स्नैप हो रहा है, इधर क्या है क्वाड्रेंट पे आना है, आने के बाद इधर क्लिक करके कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग करना है। सो सेंटर तक नहीं लूंगा, थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए इधर क्लिक कर लेता हूँ। अभी इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ाना है मुझे, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इधर आके आप क्या करो, अराउंड एक 3 पॉइंट रखा है मैंने। अगर आपको इससे ज़्यादा थिकनेस है तो अराउंड एक 5 रख देता हूँ अभी। सो थिकनेस थोड़ा ज़्यादा किया मैंने। तो अभी इस लाइन को क्या है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या है ऑब्जेक्ट में आता हूँ। ऑब्जेक्ट में आने के बाद आपको क्या करना है, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करके है, इसको क्लिक करो आप। तो देखो अभी ऐसे एक ऑब्जेक्ट हो गया है, ये आपको समझ में आ रहा है। अभी क्या है शेप टूल लेता हूँ, शेप टूल लेने के बाद अभी इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। इधर इस पॉइंट को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, इधर ऐड नोड्स करके है। सो अभी प्लस बोलता हूँ तो एक नोड आ गया इधर, तो एक बार आप डिसलेक्ट करो, बाद में इसको सिलेक्ट करके अभी इस पॉइंट को डबल क्लिक करता हूँ। इसको भी आप क्या है डबल क्लिक करो तो वो रिमूव हो जाता है। देखो अभी ऐसा शार्प बना हुआ है। अभी देखो सेम ऑब्जेक्ट इधर भी मुझे क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ फ्री हैंड टूल लेके एक लाइन ड्रॉ कर लो आप। लाइन ड्रॉ करने के बाद शिफ्ट के साथ इस सर्कल को सिलेक्ट करके सी बोलता हूँ। सी बोलने से देखो इस सर्कल के बीच में आ गया। तो अभी इस ऑब्जेक्ट को और इस लाइन को दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे लेता हूँ, माउस राइट क्लिक कर दो तो क्या है इधर आ गया है। तो अभी क्या है इन लाइन्स को क्या है डिलीट कर देता हूँ। लाइन को डिलीट करके इन दोनों ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रैग करके ऐसे सिलेक्ट कर लो आप। सिलेक्ट करके कंट्रोल जी बोलता हूँ तो दोनों ग्रुप हो गया। अभी इसको ग्रुप करने के बाद अभी देखो इसको और एक बार मैं क्लिक करता हूँ तो ऐसे रोटेशन का आ रहा है। इधर क्या है पॉइंट पॉइंट है, इसको कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे ड्रैग करता हूँ तो देखो भी रोटेट हो रहा है। अभी देखो जैसे ही इसको छोड़ता हूँ तो देखो इधर आपको बता रहा है 15 डिग्रीज है। ओके समझो अभी मुझे डिफॉल्ट में क्या है 15 है, इसको 10 करना है। तो इसको अंडू कर लेता हूँ। अंडू करने के बाद आपको क्या करना है, इधर टूल्स में आना है। टूल्स में आके ऑप्शन में आता हूँ। ऑप्शन में आने के बाद इधर क्लिक करता हूँ, आप कंट्रोल जे भी आप बोल सकते हैं। सो अभी देखो ऐसा आ गया। तो अभी इसमें क्या है ये सेकंड वन इधर लेना है, इसको क्लिक किया मैंने। तो अभी देखो ये एडिट में है, एडिट में क्या है कंस्टेंट एंगल क्या है 15 डिग्रीज है। अभी इसको क्या है 10 डिग्री बोलता हूँ। 10 डिग्री रख के इसको क्या है आप ओके बोल दो। अभी इसको देखो आप इसको सिलेक्ट करो और एक बार आप क्लिक करो, कंट्रोल को होल्ड करके ऐसे लेना तो देखो अभी ये 10 डिग्री रोटेट हो रहा है। इसको माउस राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करने से क्या है कॉपी होता है। अभी इसको कंट्रोल आर बोलो आप, तो कंट्रोल आर बोलने से क्या है ऐसे रिपीट हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। अभी इन सबको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करते हुए सर्कल को क्लिक करता हूँ तो वो सर्कल डिसलेक्ट हो गया। ये बाहर का जो सर्कल है इसको भी डिसलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट को होल्ड करके क्लिक करना है तो डिसलेक्ट होता है। अभी इसको क्या है कंट्रोल जी बोलता हूँ, कंट्रोल जी बोलने से क्या है ग्रुप हो गया। अभी क्या है इस सर्कल को सिलेक्ट करो आप, सिलेक्ट करके अभी क्या है इधर सयान में थोड़ी देर तक ऐसे होल्ड करता हूँ। होल्ड करके जो डार्क शेड है इसको क्लिक करता हूँ तो देखो अभी ऐसे एक डार्क शेड आ गया। सो अभी क्या करता हूँ इधर इंटरेक्टिव फिल टूल में आना है, इधर आता हूँ, इधर होल्ड करके रखना है। इंटरेक्टिव फिल टूल में आने के बाद इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ, जैसे ही एज पे इधर स्नैप होता है तभी छोड़ देता हूँ। तो देखो अभी शेड क्या है लीनियर आया हुआ है, तो अभी इसको क्या है रेडियल कर लेता हूँ तो राउंड में आ गया। तो ये जो व्हाइट पॉइंट है इसको ऐसे ड्रैग करके ऐसे सेंटर में लाता हूँ, जैसे इधर स्नैप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। अभी ये क्या व्हाइट है पॉइंट है, तो इसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ ये जो लाइट ब्लू है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसमें। तो देखो अभी ऐसा आ गया। अगर आपको और थोड़ा लाइट करना है तो थोड़ी देर तक आप इधर होल्ड करके रखो, तो इसमें कौन सा शेड आपको चाहिए वो ड्रैग करके आप इधर ले सकते हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। अभी इसी तरह क्या और के कैसे एक पॉइंट लेता हूँ इधर, और थोड़ा लाइट किया मैंने। लाइट करने के बाद अभी इसको क्या करता हूँ जो ऊपर का सर्कल है इसको क्या है ब्लैक कर लेता हूँ। ऊपर का सर्कल को ब्लैक किया मैंने, ब्लैक करके इसको पेजअप कर लो आप, ये ऊपर रहना चाहिए, ये आपको समझ में आ रहा है। अभी ये जो स्ट्रिप्स है इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके थोड़ी देर तक आप क्या करो सैन में होल्ड करके रखो, फिर से क्या इधर थोड़ा डार्क शेड देता हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है।
अभी ये जो ब्लैक सर्कल है इसको सिलेक्ट करते हुए अभी मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप शेडो टूल में आता हूँ। ये क्या है, शेडो टूल है। शेडो टूल लेके इधर क्लिक करके इसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद देखो भी ऐसा ब्लैक स्प्रे आपको दिख रहा है। तो अभी इसमें क्या है, ड्रॉप शेडो टूल एक्टिव है इधर। सो अभी कलर क्या है, इधर क्लिक करके अभी मैं क्या करता हूँ, कलर थोड़ा लाइट शेड देता हूँ। अभी ये मोड क्या है, मल्टीप्लाई है, इसको भी क्या है नॉर्मल कर लेता हूँ। अभी इसमें क्या करना है, थोड़ा स्प्रे ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो अभी मैं इधर क्लिक करता हूँ फेदरिंग डायरेक्शन करके, इधर आके इधर आउटसाइड बोलता हूँ। आउटसाइड बोलने से क्या है, थोड़ा ज्यादा फोकस होता है, तो इसको थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ मैं। ओपेसिटी ज्यादा किया मैंने और स्प्रे भी थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है। सो इतना लेने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, मैं और एक सर्कल लेता हूँ। तो उसके लिए क्या है, एलिप्स टूल में आके कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे ड्रैग करना है। ड्रैग करके इसको एक व्हाइट कलर देता हूँ। व्हाइट कलर देके इसको क्या है, थोड़ा ऐसे इधर रख दिया मैंने। इसका जो आउटलाइन है इसको रिमूव करता हूँ। इधर क्रॉस मार्क में आके इधर राइट क्लिक करो आप, तो आउटलाइन रिमूव हो जाता है। सो अभी क्या है, इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी बोलो आप, ये ग्रुप हो गया। अभी क्या है, और एक सर्कल लेता हूँ। सर्कल लेके इसका साइज क्या है, 100x100 रखता हूँ। 100x100 रखने के बाद अभी इसको सिलेक्ट करके दोनों को ई एंड सी बोलता हूँ। तो देखो अभी ये सेंटर में आ गया। अभी इसको क्या है, शैडो टूल में आता हूँ। शैडो टूल लेने के बाद अभी इधर क्लिक करके इसे ड्रैग करता हूँ। देखो अभी ये शैडो आपको नहीं दिख रहा है, तो अभी मैं इसमें क्या है, लाइन है इसीलिए वो नहीं दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इनर शैडो टूल बोल देता हूँ। तो देखो अभी उस सर्कल के अंदर की तरफ ये शैडो आ रहा है, तो इसका थोड़ा ओपेसिटी क्या है, थोड़ा कम कर लेता हूँ। यानी थोड़ा लाइट किया मैंने। लाइट करने के बाद अभी देखो ये लाइट है, तो इसको क्या है, स्प्रेड भी ज्यादा कम आप कर सकते हैं। देखो अभी इतना ऐसे स्प्रेड लेता हूं मैं। सो इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ इसको, सो अभी ये ऊपर है तो इसको मैं अभी नीचे कर लेता हूँ। शिफ्ट पेज डाउन कर लेना आप। सो ये नीचे की तरफ आ गया। अभी इस लाइन, अभी इसका जो आउटलाइन है इसका थिकनेस थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो बाहर का जो सर्कल है इसका लाइन क्या है, एक दो पॉइंट कर दिया मैंने। और इसका कलर भी क्या है, थोड़ा लाइट ग्रे दे देता हूँ। माउस राइट क्लिक कर रहा हूँ तो लाइट ग्रे आ जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा है। और इसको क्या है, एक फिल भी देना है, व्हाइट फिल देता हूँ। अभी इतना फिल देने के बाद अभी देखो इस सर्कल को एक कॉपी कर लेता हूँ। इधर कॉपी करने के बाद एक लाइट शेड दिया मैंने। देने के बाद अभी क्या है, फिर से शैडो टूल से ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद आपको क्या करना है, ड्रॉप शैडो टूल ये एक्टिव रखना है, फर्स्ट ऑन एक्टिव रखना है। रखने के बाद अभी इसको क्या है, थोड़ा डिस्टेंस लेता हूँ। लेने के बाद आप जितना चाहिए उतना आप स्प्रेड वगैरह आप कर लो ऐसे। अभी इसमें देखो थोड़ा डार्क किया मैंने। डार्क करने के बाद अभी क्या है, इसको थोड़ा स्प्रे कर लेता हूँ। देखो अभी ऐसे स्प्रे लग रहा है आपको। और इसका जो कलर है ब्लैक है, अभी ये मल्टीप्लाई है, इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है। तो अभी इसको क्या है, आप कंट्रोल के बोल सकते हैं। अभी इसको कंट्रोल के बोलने के बाद अभी इस सर्कल को डिलीट कर देता हूँ। इस सर्कल को आप क्या कर लो, ऐसे वॉल जैसा बना लो ऐसे। सो अभी इसमें क्या है, इधर रहता हूँ, इधर लाके इसको क्या है, पेज डाउन करना है। शिफ्ट पेज डाउन किया मैंने। पेज डाउन करने के बाद इसको थोड़ा ऐसे नीचे लेता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके सी बोल देना आप, तो विड्थ में सेंटर होता है, तो इसको और थोड़ा ऐसे नीचे लेता हूँ। शैडो को क्या है, शैडो को और थोड़ा ऐसे नीचे लेता हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है। देखो अभी ये कंप्लीट आपको क्या है, ऐसे एक 3D लुक दे रहा है। अभी क्या है, समझो अभी आपको कुछ टाइप करना है इधर। अभी क्या है, टेक्स्ट टूल लेता हूँ। टेक्स्ट टूल लेके इधर क्लिक करो आप। क्लिक करके विजन करके टाइप करता हूँ। विजन करके टाइप करने के बाद अभी इसको क्या है, थोड़ा बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। इधर क्लिक करके अभी एरियल ब्लैक लिया मैंने। एरियल ब्लैक लेने के बाद थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है। अभी समझो आपको वो के बदले आपको ये आईबॉल इधर आना चाहिए, बोले तो आपको क्या करना है। अभी देखो ये जो वो है इसको रिमूव कर देता हूँ, इसे बैक लिया मैंने। अभी आपको क्या करना है, अभी देखो इसको, इन सबको सिलेक्ट करो आप, एक शैडो को छोड़ के इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी बोलता हूँ, तो ग्रुप हो गया। अभी इसको क्या है, एक इधर एक कॉपी कर लेता हूँ। माउस राइट क्लिक किया मैंने। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, बिटमैप में आना है। बिटमैप में आने के बाद कन्वर्ट टू बिटमैप बोलना है। तो कन्वर्ट टू बिटमैप में आपको क्या करना है, अगर चाहे तो आप CMYK के रख सकते हैं, नहीं तो RGB चाहे तो RGB रख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड एक्टिव रखना जरूरी है, इतना रख के ओके बोल देता हूँ। तो देखो अभी ये बिटमैप हो गया। अभी इसको आपको क्या करना है, माउस को राइट क्लिक होल्ड करके इसे ड्रैग करता हूँ। जैसे ही इधर देखो कर्सर आ रहा है तभी आपको क्लिक छोड़ना है। छोड़ने के बाद मूव इनटू टेक्स्ट बोलो आप। तो देखो अभी ऐसे इधर विजन करके ऐसे आ गया। वो के बदले में क्या है, एक आईबॉल आ गया। इस तरह क्या है, आप कौन सा भी लोगो क्या है टेक्स्ट में आप इंसर्ट कर सकते हैं।
ये आपको समझ में आ गया। अभी इसको और इसको सिलेक्ट करके सी बोलता हूँ तो विड्थ में सेंटर आ रहा है, ये आपको समझ में आ गया। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।